Hey guys, how are you? What's up? कैसे आप सब? So this is Jatin, a 15-year-old. नहीं, 15 नहीं, अब 16 के हो गए हम. So this is Jatin, a 16-year-old 11th class student in front of you on this beautiful, amazing YouTube channel Jatin's Lecture. So guys, चलिए today we are going to solve the question number 10 of exercise 9.1, which is nothing but applications to trigonometry. So guys, one thing that I want to share with you that I have had a little bit of cold and cough due to which I'm not able to speak with that much clarity that I in my previous videos and all those. So comments aa rahe the ki volume theek karo and all those things. So guys, sorry for that. Ab kya kar sakte hain, hogi to hogi. So dekhiye ab chalo karte hain. कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर. कि ये चीज गिवन है कि दो पोल हैं, ए और बी मान लो सपोज, ये है ना अपोजिट साइड पे खड़े हैं रोड के, ये ए बी पोल सी बी पोल और रोड की विड्थ दे रखी है 80 मीटर विड्थ है रोड की. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल. ये चीज गिवन है कि दोनों पोल से इस रोड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहां पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे दे रखा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. गाइस अब ये सोच रहे होंगे कि ये पॉइंट मैंने मिड में नहीं क्यों लिया. अगर मैं ये मिड में लेता देन ये दोनों एंगल इक्वल होने थे. अब एक बड़ा एंगल है एक छोटा एंगल है, सो वी हैव टू पुट द पॉइंट मींस लिटिल बिट फार फ्रॉम द मिड पॉइंट. हो गया क्लियर? हो गया. अब फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द पोल्स की हाइट फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द पॉइंट. इजी सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं. विड्थ गिवन है गाइस, विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल्स टू 80 मीटर. ये चीज गिवन है? हाँ गिवन है. अब एंगल फ्रॉम पॉइंट टू टॉप ऑफ पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली. अब ये चीज तो हो गई गिवन वाली. अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ इसमें देखिए ए बी ओ में ए बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू कितना होगा गाइस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10, सो 10 60 डिग्री. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 10 60 डिग्री. ए बी अपॉन बी ओ तो एज इट इज वेरिएबल है, वैल्यू पता नहीं है. अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3 पे 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है. रख दिया, रख दिया. फ्रॉम एयर बी ओ की वैल्यू क्या होगी? बी ओ इज इक्वल टू ए बी बाई रूट 3. सो बी ओ की वैल्यू आ गई, बस इसको यहीं पर रख लो, बी ओ की वैल्यू ही हमें आगे नहीं पड़ेगी. नाउ इन ट्रायंगल सी डी ओ, सी डी ओ क्या बनेगा? इसमें भी सिमिलरली वही चीज करो, सी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू 10, थीटा कितना है 30 डिग्री. रखिए वैल्यू, पुट कीजिए सी डी की वैल्यू एज इट इज. नाउ डी ओ क्या क्या होगा गाइस? डी ओ, डी ओ को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस बी ओ इज इक्वल टू 10 30 कितना होगा? अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 3. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा सी डी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आ जाएगा बी डी, बी डी की वैल्यू है 80 माइनस बी ओ, बी ओ है अपने पास ए बी
बाय रूट थ्री। ये क्लियर है? हाँ क्लियर है। कैसे किया गाइस? देखिए मैंने और से कंप्लीटली स्टेप से करूं, देखिए स्टेप से भी कर देता हूं। ये बनेगा यहां पर सी डी अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू, ये यहां पर चला जाएगा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में बी डी माइनस बी ओ। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सी डी अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू कितना है 80 माइनस बी ओ, हमने फाइंड आउट किया था ए बी बाई अंडर रूट थ्री, ए बी बाई अंडर रूट। नाउ टुक दिस ए बी बाई रूट थ्री ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव के साइन के साथ उधर जाकर पॉजिटिव साइन, तो सी डी अंडर रूट थ्री प्लस ए बी बाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू 80। अब सी डी एंड ए बी आर इक्वल, क्वेश्चन में गिवन था गाइस द पोल ऑफ द सेम हाइट, तो सेम हाइट के पोल है सो वी कैन राइट हेयर ए बी की जगह लिख सकता हूँ सी डी, सो वी कैन राइट सी डी इन प्लेस ऑफ ए पी। अब सी डी को मैं ले लीजिए, अंदर बचेगा अंडर रूट थ्री प्लस वन बाय अंडर रूट थ्री विच इज इक्वल्स टू 80। टुक द एलसीएम, एलसीएम बनेगा अपने पास अंडर रूट थ्री, सो थ्री से कैंसिल, थ्री प्लस वन होल में सी डी इज इक्वल्स टू 80। सीडी इज इक्वल्स टू 80 अंडर रूट थ्री ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में थ्री वन थ्री प्लस वन कितना होता है फोर, कैंसिल करेंगे तो बनेगा 20 इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट थ्री। सो द हाइट ऑफ द सीडी इज 20 अंडर रूट थ्री, कितनी आई ये 20 अंडर रूट 3 मीटर। अब ये 20 अंडर रूट 3 मीटर है सो इट इज ऑल्सो 20 अंडर रूट 3। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। अब हाफ पार्ट तो क्लियर हो गया। अब गाइस एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में, क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द पॉइंट वो भी फाइंड कीजिए। करते हैं देखिए, अब इसी से फाइंड हो जाएगा बस इस फर्स्ट इक्वेशन से। सपोज इसे फॉर वन मान लो, इससे बीओ की वैल्यू कितनी है ए बी बाय रूट थ्री, ए बी की वैल्यू पता है कि 20 अंडर रूट थ्री है सो बीओ इज इक्वल्स टू ए बी बाय रूट थ्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू है 20 अंडर रूट थ्री डिवाइड में अंडर रूट थ्री है, कैंसिल हो गया बना 20 मीटर, सो 20 मीटर। अब लेफ्ट पोर्शन इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60, वो भी फाइंड आउट कर देता हूँ। एंड डीओ इज इक्वल्स टू डीओ कितनी बनेगी बी डी माइनस बी ओ, बी डी कितनी है 80, बी ओ है 20, 60 मीटर। इट्स अवर आंसर। तो तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी गाइस हमें, फर्स्ट हाइट ऑफ द पोल, सेकंड ये डिस्टेंस एंड थर्ड ये डिस्टेंस। सो तीनों आ गई अपने पास, बस क्वेश्चन हो गया, और क्या चाहिए हमें जब आंसर ही आ गया। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो। आई एम स्टे ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। My personal Instagram link is provided below in the description box. I'm definitely going to reply about those questions and all those. So please guys, video ko like kar dijiyega and channel pe new hai to subscribe kar dega. We are going to meet in the next video. Till then, bye bye.